हेलो, यहाँ पे हम बात करेंगे डलोल के बारे में, जहाँ पे रिसेंटली साइंटिस्ट ने रिसर्च करी और ये कहा कि ये जो प्लेस है डलोल, ये अर्थ का मोस्ट इनहैबिटेड प्लेस है। यानी यहाँ पे किसी तरह का लाइफ संभव नहीं है, ना तो बैक्टीरिया जिंदा रह सकता है, ना वायरस, ना फंगी, ना टार्डिग्रेड्स, किसी तरह की लाइफ को ये सपोर्ट नहीं करता है। बेसिकली बहुत लंबे समय से यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के साइंटिस्ट ने आकर रिसर्च करी, अमेरिका, रसिया, और बाद में उन्होंने ये कहा कि ये जो प्लेस है डलोल, यहाँ ये किसी तरह की लाइफ को सपोर्ट नहीं करता, यहाँ करता है यहाँ पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता। एक्चुअली पहले हमें लगता था कि जहाँ भी अगर पानी है, जहाँ भी अगर वाटर बॉडीज है, वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है। उस पानी में कुछ ना कुछ बैक्टीरिया या फंगी या कोई वाटर बॉडीज, वाटर एनिमल्स होगा, बट डलोल में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे बहुत सारी पॉन्ड्स हैं, बहुत सारी लेक हैं, पर वहाँ पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है। पहले हमें ऐसा लगता था कि अगर दूसरे प्लानट पे या दूसरे किसी प्लानट की अगर सेटेलाइट पे अगर पानी मिलता है, तो वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हो सकता है कि डलोल की तरह वहाँ पे वैसा क्लाइमेट हो कि कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता हो, कोई उसमें जीवित नहीं रह सकता हो, कोई वायरस या फंगी भी नहीं रह। रिसेंटली एक आर्टिकल छपी थी नेचर इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन में, उसमें ये बात कही गई थी कि जो डलोल की जियो थर्मल जोन है, वो लाइफ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। जो डलोल है उसके सरफेस के नीचे एक वोल्केनोज है, जहाँ से बहुत सारी टॉक्सिक गैसेज, बहुत सारी टॉक्सिक मटेरियल निकल कर हवा में और वहाँ के लेक्स के पानी में जाकर मिक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो क्लाइमेट है वहाँ का, जो वहाँ का हवा है, जो वातावरण है, वो बहुत ज़्यादा गर्म है, और जो वहाँ का पानी है उस लेक्स का, वो बहुत ज़्यादा हाइपरसैलाइन है और बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिक है। यानी जो वहाँ का पानी है वो बहुत ज़्यादा साल्टी है और बहुत ज़्यादा एसिडिक है, जिसकी वजह से अगर आप उस पॉन्ड्स की या उस लेक्स की अगर सेटेलाइट इमेज देखेंगे, तो वो हरी और पीली दिखाई देंगी। उसके अलावा दो और मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से डलोल में जीवन संभव नहीं है। पहला ये है कि वहाँ पे जो वोल्केनोज हैं, वहाँ से बहुत सारी मैग्नीशियम निकल कर वाटर में मिक्स हो जाती हैं, और अगर किसी वाटर्स में अगर मैग्नीशियम होगा और कोई बैक्टीरिया होगा, तो जो मैग्नीशियम का जो आयन्स, मैग्नीशियम आयन होगा, वो उस बैक्टीरिया के सील को तोड़ने लगेगा, जिसकी वजह से कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी जीव उसमें नहीं रह सकता है। अगर होगा तो जो मैग्नीशियम होगा उसके सील को तोड़ने लगेगा। और दूसरा मेन रीज़न ये है कि जो वहाँ का जो वाटर है, वो बहुत ज़्यादा हाइपर सेलाइन है और हाइपर एसिडिक है, दोनों का कम्बिनेशन है। सिर्फ हाइपर एसिडिक और हाइपर सेलाइन नहीं, यानी जो वहाँ का वाटर है वो दोनों है, दोनों का कम्बिनेशन है, हाइपर सेलाइन भी है और हाइपर एसिडिक है, यानी बहुत ज़्यादा साल्टी भी है और बहुत ज़्यादा एसिडिक भी। हमें पहले ये लगता था कि जहाँ कहीं भी अगर वाटर हो, वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता ही है, चाहे वो अर्थ हो या किसी दूसरे प्लानट पे। हमें पहले लगता था कि अगर किसी दूसरे सेटेलाइट पे या दूसरे अगर प्लानट पे, मान लो कल होकर अगर हम मार्स पे अगर पानी मिल जाए या अगर सैटर्न पे पानी मिल जाए, तो ये कंफर्म हमें नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे लाइफ होगा ही। हो सकता है कि वहाँ का जो एटमोसफियर हो वो डलोल की तरह ही हो, वहाँ का जो वातावरण हो वो उतना ही गर्म हो जितना डलोल का है, वहाँ का जो पानी हो वो हाइपर सलाइन और हाइपर एसिडिक हो। तो हमें ये कंफर्म नहीं रहना चाहिए कि वहाँ का जो, जहाँ कहीं भी अगर पानी मिले तो वहाँ पर लाइफ होगा ही।